देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे प्रदेश में पन्ना प्रमुख करके जनता को मनोवैज्ञानिक प्रभाव में लेना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी देखो पन्ने के भी प्रमुख बन चुके, जबकि ये हर विधानसभा सत्र के अंदर 75% से 80% के बीच में फर्जी वाड़ा करते हैं। और पानीपत ग्रामीण का कल पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, परसों शाम को इन्होंने घरों घर 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 जाकर के आइडेंटिटी कार्ड डाले हैं। एक कॉलोनी में थे 10 या 15 फर्जी और उनमें 4 या 5 तुम्हारे पदाधिकारी थे, तो मैंने सारे ग्रामीण के इकट्ठे करने की सोची थी पहले तो, लेकिन सोचा भी सारे ग्रामीण छोड़ दो, एक जगह का सैंपल ही लेकर चलते हैं, दूसरी जगह जरूरत पड़ेगी फिर दूसरी जगह भी करेंगे। तो ये सामने है कि जो सर्वजातीय जनपंचायत के पदाधिकारी अलग हो गए 1-1.5 साल से, और एक तो मेरा जो पीए का काम कह लो सारथी का काम कह लो काम देखता है उसका भी बना दिया, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा। और समाज का हर वर्ग इनसे तंग है, इनसे मुक्ति चाहता है, और एक हैरानी की बात है कि हर महीने बड़ा भव्य आयोजन करते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं। मैं हैरान हूँ कि मैं वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में रहा, जब सरकार नहीं थी इनको तो दरी भी नहीं मिलती थी कहीं से। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार आने के बाद इतने बड़े बड़े जो मंच सजते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, ये पैसा कहाँ से आया? भाई सरकार के द्वारा आया या पूंजीपतियों ने दान करा? जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे, भाई हम तो रहे हैं, हमने तो पता नहीं तो दरी भी कौन थी। तो क्या लगता है कि जैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी ग्राउंड पे अपना वजूद खो चुकी है, अपने ऊपर के शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह के फर्जी पन्ना प्रमुख को तैयार करके इस तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं? देखिए, 1-1.5 महीना पहले करनाल लोकसभा का सम्मेलन कराया इन्होंने, वही वक्ता प्रदेश अध्यक्ष वही बातें कह के गया, उस टाइप का मंच सजा, 1 महीने बाद फिर वो ड्रामा कर दिया पन्ना प्रमुख का, और उस पन्ना प्रमुख में भी नकली फर्जीवाड़ा करके भीड़ को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों को बरगला करके बहाने बना के आज किसी की पेंशन का मामला उठेगा, किसी का कार्ड का मामला उठेगा, किसी का राशन कार्ड का मामला उठेगा। बोली बाली जनता जाते हो, अगर आप मौके पे देखते हो, मैं तो लाइव देख रहा था कल, मंच पर तो चेहरे खिले हुए थे लेकिन मंच के सामने जो लोग बैठे थे मातम छा रहा था और लोगों में निराशा है। आज समाज का हर वर्ग इनसे तंग है, महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने के पानी की दिक्कत है, कितनी बड़ी महामारी फैली हुई है जो ये आई फ्लू, इसकी रोकथाम के लिए इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, थोड़ी बारिश होता जल भराव हो जाता है, और ये सरकारी अमलों को लेकर के इनके जनप्रतिनिधि सांसद विधायक पार्षद डांस करते हैं। अरे भले मनसो, लोगों को चिढ़ाते हो, समाज का हर वर्ग इनसे तंग है। ये समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात पात के नाम पर, कहीं सैनी को जाट से भिड़ा दिया, कहीं ब्राह्मण को सैनी से भिड़ा दिया, अब ताज़ा मामला है गुजर और राजपूत समाज के बीच में जो इन्होंने विवाद पैदा करा। अगर समाज का कोई आदमी ऐसा करता है इससे पहले उसके ऊपर राजद्रोह केस लगा देते। शिक्षा मंत्री और कैथल का विधायक और कैथल का जिलाध्यक्ष, उन्होंने मामले का शुरुआत करी है, सरकार ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? मतलब किसी समाज को चैन से नहीं बैठने देना, बिड़ा के रखना हर एक को, ये इनकी पॉलिसी है। इनके खिलाफ समाज का हर वर्ग इकट्ठा हो चुका है, ये जितनी पोलराइज करने की कोशिश करते हैं ना, लोगों को पता भी चुनाव नहीं है। मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता कि जो भी चुनाव आएगा, आने वाला चुनाव इनके लिए वाटरलू साबित होंगे। बता रहे हैं कि ये जो पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम है इसमें सरपंचों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप आदमी लेकर आइए, क्योंकि पन्ना प्रमुख तो ग्राउंड पे है ही नहीं? बिल्कुल, सरपंचों की भी ड्यूटी लगती है, बीडीओ की ड्यूटी लगती है, आशा वर्करों की ड्यूटी लगती है, आंगनबाड़ी वालों की ड्यूटी लगती है, और नगर निगम वालों की ड्यूटी लगती है, फैक्ट्री वालों की ड्यूटी लगती है, और बच्चे खुचे कॉलोनी में जो इनके 2-4 आदमी घूमते हैं वो रुक्का मार देते, चलो आज पेंशन बनेगी, आज फलाना बनेगी, और फिर जाते वक्त कह देते हैं परसों आएंगे, परसों घर पे पहुंच जाएंगे। ये लोगों को भकाने का काम करते हैं, शो कर रहे हैं शो, इनको ग्राउंड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और मैं आपसे बताऊँ, इस बार चुनाव का फैसला ना पन्ना प्रमुख नहीं करते, पन्ना प्रमुख करेंगे और मोहल्ले के मोहल्ला प्रमुख करेंगे, ये पन्ने पुन्ने तो वहाँ उठ जाएंगे, बिलक्ष दान दो। ये जो ड्रामा करो ना, पन्ना बना दिया, फलाना बना दिया, ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रेशर पब्लिक के बीच में डालना चाहते हैं। आप समाज में किसी क्षेत्र में चले जाओ, आप खुद सर्वे करके देख लो, समाज का हर वर्ग परेशान है इनसे। नमस्कार।
नंबर पाओगा कोई जगह। क्या अंकल जी कल बीजेपी के कार्यक्रम में गए थे आप, आपके पास कार्ड आया हुआ था? भाई साहब धन्यवाद, ये कार्ड हमारे पास जो आया था मैं तो घर पे था नहीं, और रात करीब कोई 10 बजे मेरे पास ही आया था। बच्चों ने हमारे को कहा कि कोई लफाफा आया हुआ है, तो मैंने उसको देखा, इसमें हमारा ये प्रमाण पत्र उन्होंने दे रखा था जो भी है, हमारे को तो पता नहीं था। बस जब ये हमने मिला तो हमने फिर सुरेंद्र भाई साहब से बात करी, तो ऐसे ऐसे करके बात, अभी क्या करा जाए, हम तो उनके साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आज से कम से 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बीजेपी की कोई लहर थी, हम साथ थे, लेकिन जब कोई कार्य सही हिसाब से चला तो चलते रहे, और कुछ सुनाई हो नहीं रही है किसी प्रकार की। और 10/7/2017 से हमारे BPL परिवार की प्रधानमंत्री आवास योजना की एक फाइल बनी थी, उसके बारे में चलते 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 इतना समय बीत गया कि आज तक उसके बारे में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और जब कोई सुनाई नहीं हुई तो फिर हमने कि हम गरीब आदमी करेंगे क्या, हमने अपने बच्चों की शादियाँ करनी थी, मकान हमने अपने नीचे करा दिए, गलियाँ हमारी ऊपर उठ के हमारे बच्चे पानी खड्डे में जा के हमने अपना टाइम पास करा। आज हमारे को इतना दुख है कि हमने कर्जा उठा उठा के अपने बच्चों को स्कूल में से हटा दिया, अपने बच्चों की जनरेशन हमने ख़राब कर दिया, बच्चों को फैक्ट्रियों में लगा के उनसे पैसा चार्ज करके तब हमने अपने घर में लगाया। अच्छा ये बताइए, ये जो कार्ड है इसका पता आपको किस चीज़ का कार्ड है ये? बस जी हमने तो ये पता है कि भाई हमारा तो इसमें फ़ोटो है ही नहीं, मेरा इसमें फ़ोटो लगा होता मेरे को ये पता होता कि ये मेरा नाम से क्या नाम मैंने लिखा ही नहीं। पन्ना प्रमुख का मतलब पता है आपको? पन्ना प्रमुख का जी मेरे को कोई मालूम नहीं आता, थोड़ा सा आप बता दोगे तो पता लग जाएगा। क्या उनको पता नहीं है पन्ना प्रमुख क्या होता है जी? जब हमारे से कोई सलाह लेंगे, हमारे से बात करेंगे, हमारे से पूछेंगे, हमारे से कुछ कहेंगे, हमारी सलाह लेंगे, हमारे से भी तो पूछना चाहिए उन्होंने, तुम करते क्या हो? कुछ नहीं पूछा हमारे से, कुछ बात पूछी नहीं उन्होंने, तो जब पूछी नहीं तो हम बताएं क्या? तो फर्जी तरीके से बनाया, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही फर्जी है। जब मेरे फोटो नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं पूछी, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं हमारा कराया, हमारे से करवाया नहीं और हमारा करा भी नहीं। क्या नाम आपका? सर माय नेम इज रमेश कुमार सैनी साहब, विद्यानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 12 जिला पानीपत। वाह, बीजेपी के कार्यकर्ता या कोई छोटे मोटे जो भी हैं? हाँ सर, कार्ड आया है मेरे पास, ये है। और बीजेपी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है जी, ये तो जब से भाई सुरेंद्र अलावत जी ने सर्वजन जन पंचायत का निर्माण किया है तब से हम भाई साहब के साथ ही हैं, और इन्होंने पद भी दिया हुआ है हमको, और इसी के कार्यकर्ता हम, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा सिस्टम है। घर पे ये कार्ड बच्चों ने दिखाया हमारे को कि पापा कोई कार्ड दे के गया आपका, मगर ठीक है भाई दिखा देखा तो इस पर पन्ना प्रमुख लिखे हुआ है, वहाँ पर पन्ना प्रमुख किसने बना दिया हम, ये है सर। और सर हमारे वाइटिंग बोर्ड भी लगे हुए हैं, विजेंद्र जोगी।